इलेक्ट्रिक केटल में आप जब भी दूध बॉयल करते होंगे तो अक्सर केटल जल जाती होगी, यानी कि दूध लग जाता होगा इलेक्ट्रिक केटल में। तो ऐसा ना हो उसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी भी इलेक्ट्रिक केटल में दूध जलेगा नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कौन से हैं ऐसे टिप्स। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि इलेक्ट्रिक केटल बिल्कुल भी जली नहीं है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इलेक्ट्रिक केटल नीचे से गीली हो जाए। इसको बॉइलिंग मोड पे ऑन करेंगे। केटल में दूध उबलने में बहुत टाइम नहीं लगता है, 4-5 मिनट में ही उबल जाता है। तो इसको बॉइलिंग मोड पे ऑन करेंगे और इंडिकेटर जल जाएगा। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया है केटल को, इंडिकेटर ऑन हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध लिया है, फुल क्रीम है, अमूल का दूध। दूध कोई सा भी आप इस्तेमाल करें, जो भी आप यूज़ करते हैं उसे उबाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये मैंने यहाँ पे आधा किलो दूध पूरा डाल दिया है इसमें। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन हमें बीच बीच में इसको 1-1.5 मिनट के बाद स्टर करना है। इसे हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं चलाना है, हमें नीचे जो बॉटम है उस पर अच्छे से रगड़ के चलाना है, लेकिन 1-1.5 मिनट के बाद। तो ऐसा हम 2-3 बार करेंगे, इतने में ही दूध उबल जाएगा। देखिए मैंने एक बार कर दिया है, अभी बीच में 1-2 बार और करूँगी तो बस, और फिर थोड़ी ही देर में दूध उबल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि केटल जली है या नहीं जली है। वैसे तो इतना करने के बाद दूध लगेगा नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिक केटल जलेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर इलेक्ट्रिक केटल जल जाती है तो आप एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक केटल में पानी डाल लें, उसके बाद किसी गिलास में दूध डालकर, जैसे कि आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, अकेले के लिए गर्म करना है तो गिलास में दूध रख दे पानी के अंदर, जैसे जैसे पानी गर्म होगा दूध भी गर्म हो जाएगा और इस तरह से आपकी इलेक्ट्रिक केटल जलेगी भी नहीं। लीजिए बातों ही बातों में दूध उबल चुका है। अब मैं आपको इसे खाली करके दिखा देती हूँ कि केटल जली है या नहीं। तो मैं इसे दूसरे भगोने में निकाल लेती हूँ। ये देखिए तो केटल हमारी जली नहीं है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।